Welcome to Unity Health Bulletin. Myself, Dr. Hari Parekh, DM Medical Oncologist. I have been trained from GCRI, Ahmadabad, world's largest cancer hospital. आज हम कैंसर के बारे में कुछ जानकारी लेंगे. कैंसर शरीर के ऑलमोस्ट हर पार्ट में हो सकता है, जैसे मुंह और जबड़े का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, स्तन का कैंसर, पेट का कैंसर, आहार नली का कैंसर, प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर, अंडाशय का कैंसर. इस प्रकार बॉडी के बहुत से भाग में हो सकता है. ब्लड कैंसर भी इसमें से कॉमन कैंसर है. कैंसर होता है तो कॉमन सिम्टम्स, हर कैंसर के अपने स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, पर अमुक कॉमन सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे भूख कम लगना, वजन उतरना, बुखार आना जिसका कोई कारण नहीं मिलता है, और कहीं गठान होना, जो दर्द बिना की गठान होना, या नॉर्मल से कोई भी बॉडी का शेप चेंज होना. ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं कैंसर के. कैंसर के कॉमन कारण क्या है, तो आज की डेट में देखा जाए तो गुजरात में सबसे कॉमन कैंसर है तो वो है मुंह और जबड़े का कैंसर, और उसका सबसे कॉमन कॉज है जो हमारी बैड हैबिट है, जैसे स्मोकिंग और टोबैको चूइंग. बहुत से यंग जनरेशन के लोग ड्यू टू पीयर प्रेशर बोलिए या दूसरे कारण के कारण टोबैको चूइंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और यही सबसे कॉमन कॉज होता है इस जानलेवा कैंसर का. इसके अलावा भी जो सेकेंड कॉमन कारण है, टोबैको चूइंग एक कारण है ये हम सभी जानते हैं, पर जो सेकंड कॉमन कारण है वो है ओबेसिटी यानी मोटापा, जो बहुत से लोग हम नहीं जानते कि ये भी एक टाइप का कारण है कैंसर के लिए. मोटापे से 13 टाइप के कैंसर हो सकते हैं, और उसमें से सबसे कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर, जो आज की डेट में इंडिया में 8 औरतों में से एक औरत में देखा जाता है. तो मोटापा भी बहुत बड़ा कारण होता है. उसके अलावा कुछ कारण है, जैसे आज के डेट में जो पॉल्यूशन है, जो हमारे सब्जियों में और अदर प्रोडक्ट्स में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉज फॉर कैंसर. तो ये कुछ कॉमन कारण हुए. उसी प्रकार जेनेटिक खामी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कैंसर होने में. सो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण होता है. अब अगर हमें कैंसर है तो हमें क्या करना है? पहली बात, हमें कैंसर से डरना नहीं है. कैंसर ने फाइट शुरू की है, पर हम उसे हरा सकते हैं. हमें घबराना नहीं है, हमें उससे लड़ना है. सो कैंसर अगर अर्ली स्टेज में पता चलता है तो उसे डेफिनेटली क्योर करा जा सकता है. उसके लिए 3 टाइप की थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी यानी दवाई, दूसरी होती है सर्जरी, सर्जिकल थेरेपी, एंड तीसरी होती है रेडिएशन थेरेपी, जिसको कॉमन लैंग्वेज में सेक थेरेपी बोलते हैं. तो इन थेरेपी के माध्यम से हम कैंसर को हरा सकते हैं. जो कीमोथेरेपी होती है वो हमेशा इंजेक्शन के रूप में नहीं दी जाती है, वो ओरल भी दी जाती है, और उसके बहुत टाइप्स भी होते हैं, जैसे ओरल कीमोथेरेपी, इंजेक्टेबल कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी. ये टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी कुछ ऐसी थेरेपी है जिससे साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं और बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें ये डाउट और एक मिसबिलीफ है कि हम कीमोथेरेपी लेंगे तो बिल्कुल बेड में पहुंच जाएंगे. ऐसा नहीं है. आपके फिजिशियन, हम ऑन्को फिजिशियन हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि थेरेपी का फायदा ज्यादा हो, नुकसान कम से कम हो. अब कैंसर को बचने का भी कुछ तरीके हैं, जैसे हम ये बैड हैबिट्स छोड़े, जैसा हर जगह पे प्रमोट किया जाता है. हमारे इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी इस चीज को प्रमोट करते हैं. हमारी हर मूवी में लिखा जाता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. सो डेफिनेटली हमें बैड हैबिट्स छोड़नी है, स्मोकिंग छोड़ना है. दूसरा है, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करना है, जंक फूड छोड़ना है, वेट मेंटेन करना है, एक्सरसाइज करना है. तीसरा होता है जेनेटिक टेस्टिंग, कि अगर हमारी फैमिली में हिस्ट्री है कैंसर की तो हम जेनेटिक टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि आगे क्या हमें चांसेस हैं कैंसर होने के लिए, एंड फिर हमारे डॉक्टर्स हमें उस बारे में हेल्प कर सकते हैं. चौथा, एक रूटीन टेस्ट होते हैं लाइक मैमोग्राफी एंड पैप्समियर टेस्ट, हम वो भी करा सकते हैं. तो ये कुछ तरीके हैं जो हम अपने आप को कैंसर से बचाने के लिए एक्टिवली ले सकते हैं. सो वी शुड फाइट अगेंस्ट कैंसर, वी शुड नॉट फियर फ्रॉम इट, एंड दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कैंसर. आगे हम अगले बुलेटिन में जानेंगे कैंसर के बारे में कुछ और डिटेल्स. थैंक यू.